ब्लैक समनर एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर मेलफीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको एफिल के हाथ का बनाया हुआ खाना पहली बार खाने को मिलता है। जिसके बाद मेलफीना केल्विन को कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था तुम इतना बड़ा घर खरीदोगे, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतनी मुसीबत हुई। तो केल्विन कहता है अगर ऐसा था तो तुम सर्वेंट नेटवर्क का यूज करके मुझे से पूछ लेती। जिस पर मेलफीना कहती है नहीं, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि गेरार्ड केल्विन से पूछता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। सेरा भी केल्विन से यही क्वेश्चन पूछती है कि आखिरकार ये है कौन। केल्विन मेलफीना को इंट्रोड्यूस करे, उसी से पहले मेलफीना खड़ी हो जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और सभी को बताती है कि वो मेलफीना है और उसे रात में समन किया गया है केल्विन ने। तभी गेरार्ड कहने लगता है कि क्या तुम प्रिंसेस हो, अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारी आवाज को पहचान सकता हूँ। वहीं सेरा भी कहती है तो तुम हो मेलफीना। तभी मेलफीना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सेरा से कहती है मुझे पता है तुम मुझे इतना पसंद नहीं करती हो क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे पापा यानी कि डीमन किंग गुस्ताव मरे थे। तो सेरा कहती है वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वैसे भी मेरे डैडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और वैसे भी उन हीरोज को समन करने वाली कोई और गॉड थी, तो इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर मेलफीना खुश हो जाती है और सेरा को थैंक यू करती है। तभी गेरार्ड कहने लगता है कि मुझे लगा था कि केल्विन ने तो अपने साथ एक और लड़की को ले आया है, लेकिन लगता है मैं गलत ही सोच रहा था। तभी मेलफीना कहने लगती है तुम सही कह रहे हो, मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं केल्विन की वाइफ हूँ। ये सुनकर केल्विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं ये बिल्कुल झूठ है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि केल्विन मेलफीना से कहता है कि तुम डेरेमिस की सबसे फेमस गॉडेस हो, तो क्या तुम्हें पब्लिक में मेलफीना बुलाना सही रहेगा। जिस पर मेलफीना कहती नहीं वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, अब से तुम मुझे मेल बुलाना। जिसके बाद मेलफीना केल्विन के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे सक्सेसफुली समन कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। जिस पर केल्विन कहते हैं मुझे रिवॉर्ड देना चाहती हो क्या। जिसके बाद मेलफीना हवा में एक रेड फ्लावर बनाकर केल्विन को कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। वो फ्लावर केल्विन के अंदर चला जाता है तो मेलफीना बताती है कि ये गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन यानी कि गॉडेस मेलफीना की ब्लेसिंग्स है, इसे अपने साथ रखो। और अब जब तुम्हें गॉडेस मेलफीना की ब्लेसिंग मिल चुकी है तो इसी के साथ साथ तुम्हें दो स्किल भी मिलेगी। फर्स्ट स्किल या फिर फर्स्ट इफेक्ट ये है कि हर महीने अगर तुम्हें कोई भी गहरी चोट लगी होगी तो वो अपने आप ही हील हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो। ये सुनकर केल्विन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है तो मेलफीना कहती है अब तुम हीरोज को समन कर सकते हो। ये सुनते ही रूम में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेरा और मेलफीना एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मेलफीना के अटैक की वजह से कमरा काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से गेरार्ड लूका को एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। जिसके बाद सेरा लड़ने के लिए अपने राइट आर्म पर जिन स्क्रिमेज का यूज करती है। ये देखकर गेरार्ड कहता है कि ये तो विक्टर का अटैक है। जिसके बाद सेरा अपने जिम स्क्रिमेज का यूज करके मेलफीना के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी मेलफीना भी अपनी डिवाइन ड्रेस में आ जाती है जिसके बाद दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तभी मेलफीना के हाथ का जो वेपन होता है वो टूट जाता है जिसको देखकर सेरा कहती है मैं जीत गई। तभी मेलफीना कहती है इतनी जल्दी भी नहीं, जिसके बाद हमें पता लगता है कि सेरा के हाथ का जिम स्क्रिमेज का इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि केल्विन काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और पूछ रहा होता है कि हीरोज आखिरकार होते क्या है। हीरोज को डीमन किंग से लड़ना पड़ता है लेकिन क्यों। डीमन किंग को तो रैंक एस का एडवेंचरर भी हरा सकता है या फिर इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन आखिरकार हीरोज को ही क्यों चुना जाता है डीमन किंग को हराने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की फाइट भी खत्म हो जाती है जहां पर सेरा की हालत थोड़ी ठीक रहती है लेकिन मेलफीना की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। मेलफीना सेरा से कहती है तुम काफी ज्यादा अच्छी हो गई हो फाइटिंग करने पर, जिस पर सेरा भी कहती है तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी गेरार्ड उन लोगों से पूछता है कि तुम लड़ने के टाइम पर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों थी, क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था। तो वो लोग बताते हैं हम लोग इसलिए लड़ रहे थे ये देखने के लिए कि आखिरकार केल्विन के साथ सोएगा कौन आज। ये सुनकर लूका भी कहने लगती है कि मुझे भी मास्टर केल्विन के साइड में सोना है, जिस पर गेरार्ड उसे समझा के कहते हैं नहीं तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो। बैटल ओवर होने के बाद वो लोग नहाने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एफिल आकर उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारी बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा है। तभी सेरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, केल्विन ने हमारी चोट को हील कर दिया। तभी मेल कहने लगती है कि केल्विन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, जिस पर एफिल कहती है शायद से मास्टर ये सोच रहे होंगे कि उसे हीरोज को समन करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही साथ मास्टर भी तो दूसरे वर्ल्ड से ही है ना, तो शायद से उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही होगी जो कि हम समझ नहीं सकते हैं। ये सुनकर मेल समझ जाती है कि आखिरकार उसे अब करना क्या है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि केल्विन अकेला गार्डन में खड़ा होता है जहां पर मेलफीना आकर उसके मुंह में चॉकलेट डाल देती है। जिसके बाद मेलफीना केल्विन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, जिस पर केल्विन कहता है हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमें हीरोज की जरूरत क्यों है।
तब मेल्फिना कहती है कि हीरोज के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें डीमन किंग के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जिस पर केल्विन कहते हैं डीमन किंग सैरा के डैड के बारे में। तब मेल केल्विन को बताती है कि डीमन किंग गुस्ताव की तरह ही इस वर्ल्ड में काफी सारे डीमन किंग आते रहते हैं और हम लोग उनको रोक नहीं सकते आने से। इवन मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट डीमन किंग कौन सी फॉर्म में आने वाला है, लेकिन एक स्किल जो कि हर डीमन के अंदर कॉमन होती है और उस स्किल का नाम है पापियस, उसके दो इफेक्ट हैं। पहला, वो उस डीमन किंग के अंदर की बुराई को मल्टीप्लाई करता रहता है और वो उसकी पर्सनैलिटी को इतना खराब कर देता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है, और दूसरा उनको डैमेज ही नहीं होता है। तुम ये भी कह सकते हो कि वो एक परमानेंट गॉड मोड में है। ये सुनकर केल्विन हैरान हो जाता है कि आखिरकार डीमन किंग को डैमेज ही नहीं होता है तो हम लोग मिलकर उस डीमन किंग को हराएंगे कैसे। तब मेल्फिना कहती है इसलिए हमें हीरोस या फिर दूसरे वर्ल्ड से आए हुए लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से आए हुए लोगों के पास एक यूनिक पावर होती है जो कि उनकी पावर की सेकंड इफेक्ट को कम कर सकती है, यानी कि उनको डैमेज दे सकती है। वहीं केल्विन ये सोच रहा होता है कि किसी भी हीरो को उसकी बिना परमिशन के इस वर्ल्ड में समन करना सही रहेगा या फिर नहीं। तब मेल्फिना कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम उसको समनिंग से यहाँ पर बुलाओ तो मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम उसे रीइनकार्नेटेड समन से यहाँ पर बुलाओ। तब केल्विन पूछता है रीइनकार्नेटेड समनिंग क्या होती है। तब मेल्फिना बताती है कि दूसरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग उनको समन कर सके या फिर हम लोग उनको सीधा रीइनकार्नेटेड कर सके। समनिंग में हम लोग एक लिविंग पर्सन को एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं, और वहीं पर रीइनकार्नेटेड समनिंग जो कि डेड पर्सन की सोल को इस वर्ल्ड में ले आता है, हम लोग उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सुनकर केल्विन समझ जाता है कि मेल्फिना ने हीरोज को समन किया है और वहीं पर केल्विन को इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड किया गया है। मेल्फिना बताती है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रीइनकार्नेशन में काफी ज्यादा अमाउंट का एमपी लगता है और हम लोग को एक ही साथ चार हीरोज को समन करना होता है, इसलिए हम लोग का यूज नहीं करते हैं। और वहीं पर तुम अकेले एक पर्सन थे जो कि काफी पावरफुल थे, इसलिए तुम्हें रीइनकार्नेटेड किया गया। साथ ही साथ जो भी पर्सन रीइनकार्नेटेड होता है वो अपनी मन मर्जी की स्किल को चूज कर सकता है जो भी वो चाहता है, और जबकि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से अलग हो चुकी है तुम्हारे अपीयरेंस और एज भी चेंज हो जाती है। ये सुनकर केल्विन घबरा जाता है कि उसका अपीयरेंस पहले अलग हुआ करता था, लेकिन मेल्फिना उसको पकड़ के कहती है नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी अपीयरेंस और एज वैसी रखी, यानी कि तुम जैसे पहले दिखते थे वैसे ही अभी हो, अगर तुम उसको चेंज करना भी चाहते तो तुम्हें ज्यादा स्किल पॉइंट देने पड़ते। जिसके बाद मेल्फिना केल्विन से पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहोगे। तो केल्विन मेल्फिना से पूछता है कि हम लोग क्या उस सोल को चूज कर सकते हैं जिसको हम लोग रीइनकार्नेटेड करना चाहते हैं। जिस पर मेल्फिना कहती है नहीं वो टोटली रैंडम होता है। ऐसा बोलकर ही मेल्फिना खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक चांस है और तुम्हारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तुम जितना सोचना चाहते हो इस बारे में सोच सकते हो, तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर मेल्फिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि केल्विन ने अपना डिसीजन ले लिया है और उसने सभी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। वहीं मेल्फिना केल्विन को कहती है कि मैं इतनी ज्यादा शौक हूँ कि तुमने डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया। तो केल्विन कहते हैं कि मैंने सभी की राय मांगी है इस बारे में, वैसे भी मैं अपना प्रॉमिस को पूरा करूंगा ही जो कि गेरार्ड से मैंने किया है, हम लोग जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतने ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर मैं उस हीरो को नहीं हरा पाया तो इसका मतलब है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जिस पर सैरा कहती है अच्छा है मैं एक और पर्सन से आखिरकार लड़ पाऊंगी। जिसके बाद एफिल एलियो लुका को कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मास्टर हमारे समनर है और इसलिए वो एक स्पेशल समनिंग करने वाले हैं, इसलिए जरा चौकन्ना रहना। जिसके बाद केल्विन मेल्फिना से पूछता है कि जिस पर्सन को मैं अभी रीइनकार्नेटेड करूंगा वो अपने मन मर्जी से जैसा चीज करना चाहता है वो कर सकता है ना। जिस पर मेल्फिना कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद केल्विन कैंसल समनिंग को करके बाकी सभी लोगों को अपने अंदर ले आता है। उसके बाद केल्विन एक रिकवरी पोशन पीता है जिसकी वजह से केल्विन की पूरी एमपी फुल हो जाती है। जिसके बाद मेल्फिना रीइनकार्नेशन समनिंग को शुरू कर देती है और केल्विन से पूछती है कि वो कितने लोगों को समन करना चाहता है और अपना कितना एमपी यूज करना चाहता है। तो केल्विन कहते हैं मेरा 99% एमपी ले लो और सिंगल पर्सन को समन करो। अगर मैं ये समनिंग कर ही रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को समन करूँ। जिसके बाद केल्विन रीइनकार्नेशन की प्रोसेस को शुरू कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि समनिंग होने में काफी टाइम लग रही होती है, इसलिए केल्विन बैठकर चाय पी रहा होता है। तो मेल्फिना केल्विन को बताती है कि वो पर्सन अभी अपनी स्किल चूज कर रहा है। तो केल्विन कहता है अगर ऐसा है तो उस पर्सन को तो पूरा एक दिन लग सकता है अपनी स्किल को चूज करने पर। जिस पर मेल्फिना कहती है नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम थोड़ा अलग चलता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी चॉइस ले ली है, यानी कि अपनी स्किल चूज कर लिया है और वो अब इस वर्ल्ड में आ ही रहे हैं। उन्होंने ये चूज किया है कि वो अपने अपीयरेंस और एज को चेंज नहीं करना।
जिसके बाद कैल्विन देखता है कि समनिंग सर्कल में से तो एक छोटी बच्ची आ जाती है। ये देखकर कैल्विन काफी हैरान रहता है। वो बच्ची पूछने लग जाती है कि वो कहाँ पर है, तो कैल्विन उसे बताता है कि मेरा नाम कैल्विन है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। ये सुनकर वो बच्ची काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कैल्विन को अपना नाम बताती है, रियो सेकी। तभी कैल्विन को याद आता है कि रियो तो और भी किसी पर्सन का नाम होता है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रियो कहने लगती है, एंजल ने मुझे कहा था कि ये दूसरा वर्ल्ड है, तो क्या ये सच है? तब कैल्विन कहता है उसे, हाँ, और मैं ही हूँ वो पर्सन जिसने तुम्हें इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड किया है। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने रीजन के लिए यहाँ पर रीइनकार्नेटेड किया है। तभी रियो कहने लगती है, तो तुम हो जिसने मुझे समन किया है। जिसके बाद रियो रोने लगती है और कैल्विन को शुक्रिया करती है और कैल्विन को गले लगा लेती है। तभी गिरार्ड कैल्विन को कहता है कि मास्टर, क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो भी लड़की आपसे मिलती है वो रोने लग जाती है? जिस पर कैल्विन कहता है, मुझे कैसे पता होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि रियो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो मेल्फिना कैल्विन को बताती है कि रीइनकार्नेशन करने की वजह से वो थक गई है, वो सिर्फ अभी बच्ची है इसलिए वो बेहोश हो गई है। तो कैल्विन मेल्फिना से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये एक हीरो है? तो मेल्फिना कहती है, चिंता मत करो, ये एक बेस्ट समन है जो कि पॉसिबल है, तुमने अपना सारा एमपी इसके ऊपर यूज किया है। तभी हम लोग देखते हैं कि कैल्विन को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि कैल्विन ने भी इस समनिंग प्रोसेस में अपना सारा मैजिक यूज कर लिया। जिसके बाद हम लोग रियो की पिछली लाइफ की थोड़ी सी मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रियो की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में लेटी हुई है और उसके डेस्क पर भी काफी सारी एडवेंचरस की बुक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर मर जाती है। जिसके बाद उसकी सोल एक जगह पर आ जाती है और उसको ऑप्शन मिलता है दोबारा से रीइनकार्नेटेड होने का एंड अपना एडवेंचर शुरू करने का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियो को होश आ जाता है, इसलिए वो मेंशन से बाहर आकर गार्डन में दौड़ने लग जाती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी वो देखती है कि वो ग्रास की स्मेल को फील कर सकती है। जिसके बाद वो आसमान के स्टार को भी देखती है जो कि उसको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कैल्विन वहां पर आता है और कहता है उससे कि स्टार कितने ज्यादा सुंदर है ना, मैं भी इसी तरीके से पहले सरप्राइज हुआ था जब मैं इस वर्ल्ड में आया था। तो रियो कैल्विन से पूछती है कि इसका मतलब तुम भी रीइनकार्नेटेड हुए थे? तो कैल्विन कहता है, हाँ, गॉड ने मुझे गलती से मार दिया था, जिसके बाद मैं इतना लकी था कि मैं रीइनकार्नेटेड हो सकूं और मैंने अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी का यूज किया अपनी और भी ज्यादा स्किल को एनहांस करने में। जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने काफी सारे दोस्त बनाए और मैं धीरे धीरे कर लड़ता गया, जिसकी वजह से मैं पार्थ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन चुका हूँ। जिसके बाद कैल्विन रियो से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस वर्ल्ड में इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको, अगर तुम यहाँ पर नहीं करना चाहती मेरी हेल्प तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहूंगा। तो रियो चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैं इस वर्ल्ड में होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पिछली लाइफ बीमार होकर बिताई थी। मैं बाहर भी नहीं जा पाती थी और मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी, इसकी वजह से मैं हमेशा एडवेंचर नॉवल ही पढ़ा करती थी। मैं बाहर की चीजों को सिर्फ विंडो से ही देख पाती थी। जब मैं मर गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदे होने का आखिरकार मतलब क्या था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वापस ही जिंदा हो पाई। मेरे पास अब हेल्दी बॉडी है और अब मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ और एडवेंचर पर जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें वापस रिपे करना चाहती हूँ। ये सुनकर कैल्विन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद कैल्विन रियो से कहते कि तुम्हारे ब्लैक हेयर यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए लोगों को शक ना हो, हम लोग उन्हें ये बताएंगे कि तुम मेरी सिस्टर हो। ये सुनकर रियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी एक भाई चाहिए था। जिसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो कैल्विन को आखिरकार बुलाएगी क्या। तब रियो डिसाइड करती है कि वो कैल्विन को अभी से ब्रदर कैल बुलाएगी, जिसको सुनकर कैल्विन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद कैल्विन रियो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक और चीज करो, तुम्हारा नेम रियो मुझे एक और बंदे की याद दिलाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस नाम को चेंज करो। तो रियो कहती है कि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं एक एडवेंचर बन चुकी हूँ और मेरा नाम हमेशा रियोन हुआ करता था, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मुझे रियोन बुलाओगे। इस पर कैल्विन भी मान जाता है और अब से कैल्विन रियो को रियोन बुलाएगा, जिसके बाद कैल्विन रियोन का वेलकम करता है इस मैजिक वर्ल्ड के अंदर। और रियो से कहते हैं कि तुम और मैं दोनों काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं अब से, और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद है ये वाला पार्ट तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यार लाइक का बटन तो जरूर से दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करोगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में कमाल के धमाल के साथ।